यार देखते हैं ना उनकी शादी की सटोरी। मैंने कहा तेरी शादी नहीं हुई क्या? शादी को खुशी होती है जब शादी हो जाती है, चार दिनों बाद गए मारे गए। पोते देख रहे हो, चलो खेलो वे खेलो। बात पहुंचने वाले थे, अब पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंची। आलू तक पहुंची हो? आलू कौन सा शहर है? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कहाँ है आप सब? मैंने सुबह सुबह से ना आपकी खोज की है, आप मिल नहीं रहे, ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हूँ। ओ ये क्या बोला जा रहा हूँ। ओ कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, बिल्कुल गुलाब के फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है माशाल्लाह, आपकी दुआएँ हैं। तो अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग। माशाल्लाह ये क्या हो रहा है? ये दाना निकाल रहे हैं। ये हैदर है, रोटी है, हैदर है। अच्छा दाने खत्म हो गया आटा? हाँ। खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो भाभी चली गई थी। अच्छा, तो उसने बोला को बताया है कि दाने निकाल के ना नंबरदार को देना। देख रहा है। चलो ये आप क्या बना रही? ये मैं प्याज अंडा बना। प्याज अंडा मिक्स। प्याज अंडा। हाँ जी। वो मजे लग गए। हाँ जी मजे लग गए प्याज अंडा के। ओ माशाल्लाह बर्तन धो रही हो? हाँ जी बर्तन धो रही हूँ, दोपहर को खाना बनाया था ना तो वही बर्तन धो रही हूँ। अभी शाम को दोपहर वाले धो रही हो? नहीं अभी टाइम ही कितना हुआ यार, अजान होती है जुहर की, खाते पकाते 3-4 बज जाती है, तो फिर अभी फारिग हुई तो धोने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं ना, ये नहीं कि थोड़े हैं। कब की बैठी हुई है देखे, ये कितने सारे ये और अंदर भी रख के आई हूँ। तो आप 3-4 बजे क्यों खाते हो खाना? जल्दी खा लिया करो ना। तो बनाने में टाइम लगता है। अच्छा सुबह नाश्ते में तो 12 बज जाती है। हाँ। फिर दिन में दोपहर वाले बनाने में 4 बज जाती है। अभी असर की अजानें हो रही हैं और ये टाइम देखें पता नहीं क्या है। ओ हाँ 4:40 हो गए, अजाने हो गई हैं असर वाली। और ये क्या आलू धो रही हो? हाँ जी इन्हें भी गर्मी लगी थी ना तो मैंने कहा चलो नहला देते हैं। आज क्या बना रहे हैं? आज एक न्यू डिश बना रहे हैं। ओए हेटर बेटारा, ओए ग्लेटर हेटर, हंसते नहीं हो? हंसते नहीं हो? खेलो खेलो खेल पे है वह खेल पे चुहार। चलो अब ओ चलो अब ओ ये न्यू डिश है जो बता रहे थे भाभी, आज न्यू डिश बना रहे हैं जी। अभी नहीं बताना कि क्या बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और सब बहन भाइयों की दुआ है और मेरे घर वालों की भी दुआएँ हैं। तो अभी जो मैं काट रही हूँ प्याज, आज बना रहे हैं नई डिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। इरफान इरफान क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खुश है? इरफान में कैसे आना हुआ? ये कैसा हाल वाला है पूछने का अंदाज? हाल वाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप ये क्या कांप क्यों रहे? आपका अंदाज देख रहा जी, हुक्म करो हुक्म बताओ। बस मैं तबीयत का पूछना है। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अलग करें शुक्र अदा सबसे अच्छी बात है। हुक्म करें क्या बात करनी है? जो कुछ कहना है कहो यार, क्या मजाक हो गया तुमको? यार मुझे भी ऐसा है। कोई हाल नहीं यार, पागल तो नहीं हो गए? यार मैं आपको हंसा रहा हूँ, मुझे पागल बोल रहे हो? इतना भी बंदा हंसता है? मैं आपको ऐसा जो अंदर से टूटे हुए लोग होते हैं, जो दिलों के मारे लोग होते हैं, वो ऐसे ही हंसते हैं।
बनावटी हंसते रहते हैं, बस उनको अंदर का दुख मार रहा होता है, लेकिन बाहर से बना चले आप तो हंस लिया, आप ज्यादा नहीं हंसा जाता। नहीं थक गया हो क्या? अभी तो थक गया। प्यारा देखे, प्यारा हंसने लगे। यार काम क्या है मेरे पास, मैं काम कर रहा हूँ, आप काम में खजल खुआरी आके कर दी तुमने। का जल्दी बताओ, काम बताओ ना, दो दो मोबाइल में वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, बोलने का मौका देंगे। वेबसाइट पे यार मैं काम, काफी काम करो, मेहनत करो तो मेहनत का सिरा मुझे मिल रहा है हर महीने, उसके रुपए कैश मिल रहा है। अल्लाह करे मिल जाए, दुआ करते हैं इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। जिस काम में मेहनत आप करेंगे उस काम में बरकत होगी और अल्लाह ताला ज़रूर आपको इनायत करेगा। ये जो मैं कर रहा हूँ लगन से कर रहा हूँ, बच्चों की रोज़ी का सिलसिला कर रहा हूँ, ये तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है इसका सिला ज़रूर देगा। देर आयो दुरुस्त आयो, देर लगेगी लेकिन मिलेगा ज़रूर। चले आपने हाल अहवाल तो वैसे भी बता दिया अपना, मुझे हाल अहवाल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, करम ज़ात पाक का एहसान मालिक का तरस है तो क्या। ओहो जनाब, कल हम शहर जा रहे थे खानपुर, तो असलम खान के व्लॉग में वीडियो बनाई गई, तो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, मैं सबसे पीछे बैठा था। तो मैंने वहाँ पे गाना गाया, तो एक बंदे ने कमेंट किया कि जिसने गाना गाया उसको गुलकार होना चाहिए, गाना बहुत अच्छी आवाज़ है। उनके लिए क्या बोला था मैंने, उसको गाना क्या सुनाया था? अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, कहीं मुझसे दामन छोड़ा तो न लोगे। अगर बढ़ गई है ये दूरियां, तो मुझसे यूं दामन छोड़ा तो न लोगे। यही गाना सुनाया था, यही गाना सुनाया था, अब दोबारा आपके व्लॉग में सुना दिया गाना। अच्छा। बंद कर, कैमरा बंद कर। नहीं कैमरा ने बंद करना, कैमरा बंद कर यार, चला ही रखोगे? अब याद आएगा मुखले ने ऐसा आया था। ऐसे चार भाई पे पड़े पड़े हंसते रहो, यही काम है। धूप आ रही है यहाँ से उठते पर छाँव पे चलते हैं। देखो धूप आ रही है, झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? आ रही है, देखो तो सही धूप है, उठते हैं यहाँ से, ठीक है। मुझ में इतनी हस्ती नहीं है। चलो चलो ये मैं चलो मैं बात बाजार माशाल्लाह आ गए वापस, वो तो भाग गए थे। प्यारा भी बीमार है, छांव पे आ रहे थे, छांव पे आ गए ना। अच्छा इरफान ये कौन सर जो है, ये इसका रिश्ता देखने के हम बोला, ये कौन सर आपको पसंद है? पसंद है, पसंद है, पसंद है यार, तुमने सुनाई अपनी पसंद है, वाकई पसंद है। ऐसे ये मेरी कज़न थी, तो रिश्ता देखने लगे, मैं लाहौर जाता था, लाहौर से वापस आया तो कहने लगे ये लड़की है, इससे आपकी शादी है। बाद मैंने शादी कर ली है, बेच किसी ने खच मार दी, बेच की भोग हो गया ये। क्या वो नहीं दे रहे थे? दे रहे थे नहीं, फरमाइशें, फिर फरमाइशें ख़त्म कर दी, कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं देना, ऐसे कर लो, ऐसे वैसा कर लो। यार स्टोरी सुनाते हैं बड़े सुकून से, अगले को समझ आए कि किस तरह की शादी की स्टोरी है। यार सीधा सीधा तो सुनाई है।
अभी आपको मैं व्लॉग मैंने नहीं देखा, एक मिनट डेढ़ मिनट का भरा था आपका वो हाल जो है, वो एक बंदे ने कमेंट किया वो शादी की स्टोरी बता रहा था, आधी अधूरी आपने सुना दी, पूरी सुना दी। मैंने कहा भाई उनके व्लॉग पे अगर आप व्लॉग उनका आने वाला है वहां पे देख लेना। अच्छा उसकी रिप्लाई भी नहीं, वो इंतजार में बैठ गया कौन सा इरफान का व्लॉग आने वाला है, उसमें वो स्टोरी बता रहे शादी की, वो लॉग पूरी सुन लिया। मोबाइल लेके आए जब बैठा रहा था कब इंतजार का व्लॉग आ रहा। जो ही इतने व्लॉग को ना डॉग अपलोड किया, अपलोड के बाद जो ही पब्लिक किया पहले पहले वही खान खान आ गया, कहते जबरदस्त यार बुरे क्या बात है आपकी शादी की सटोरी ने तो वैसे फनी सटोरी, इमोशनल भी थी फनी भी थी, तो देख के पता नहीं क्या उसने दिल में महसूस किया होगा। मैंने कहा यार तू बड़ा बेचैन है उनकी शादी की सटोरी, मैंने कहा तेरी शादी नहीं हुई क्या। शादी को खुशी होती है जब शादी हो जाती है, चार दिनों बाद गए मारे गए कुर्बानी का बकरा मैं मिला था। अभी तो बच्चे नहीं है, एक आध बच्चा मिल जाएगा तो क्या हाल बनेगा, उनके खर्चे बढ़ गए। संभाले इनको संभाले, मुझे लगता है एक कमेंट और आया कहते आप लोगों को कोई और काम नहीं है बच्चे पैदा करने के अलावा। यार ये कौन था आपने कमेंट कर दी, हम काम भी करते हैं बच्चे भी। दोनों काम एक भाई ने कहा इतने ज्यादा बच्चे आप जन्मा लेते हैं उनकी तलीम अखराजात सारे कैसे फिर पूरा होते हैं, एक तो होते हैं तो वो सही से तरबियत उनकी हो जाती तलीम याफ्ता हो जाते हैं। मैंने कहा हमारे छह के छह तलीम याफ्ता। कमेंट आया आप इतना ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं खर्चा कम होता मैं भेज दूं। मैंने कहा नहीं नहीं जब छह पैदा हो सकते हैं तो पैसे की कमी भी नहीं है। पैसा मैंने कहा बहुत है दौलत तो ये मंजे चार पे फुल लगी हुई है अंदर। एक ने कहा यार वो ना तबीयत खराब हो गई थी तो तबीयत सेट जब हुई है ना तो मैंने कमेंट देखा ये मुखलिस पागल हो गया उसको घर ले आए तो उसका चश्मा कहाँ गया। जब वो क्या था कह रहे थे कि चश्मा लगाया हुआ है ऐसे ऐसे सूट पहना हुआ है तो वो मुखलिस जिसको उसको मिले हमारे पास पहुंचा। जब बाबा जी मंजे पे डाला कहते वो ये मिल गया पागल मिल गया इसका चश्मा किधर है। फिर ना असल बात की उसको पता नहीं थी घड़ी टूट गई थी। चश्मा मैंने साइड पे कर लिया था घड़ी टूट गई थी वो असलम भाई को पकड़ा। मैंने कहा ये घड़ी ना आप रखे वो अभी ना मन देख वो सब्जी वाला शाह पर है ना उसमें जहाँ पे नंबरदार कहते हैं दूध ले आया दूध यहाँ पे रख रहा हूँ यहाँ पे रख दूंगा तो पिसाब दे रहे रखेंगे फिर पिएंगे। एक तो जन्ना इसने क्या किया जाता था सौदे लेने के लिए कहता है रोज ये नंबरदार कहता है दुआ करें दूध मिल जाए।
रोज रोज कहते हो नंबरदार, एक दफा कह दिया फिर कहते हो दुआ करो दूध में, फिर तीसरा दिन फिर दुआ करो दूध। तो इसलिए हमने पता क्या किया, हम साहब को कहा आप ना भैंस का दूध हमें दे दें 2 किलो शाम का, किलो सुबह का, तो इसकी जान छूटी। अब ये दुआ का नहीं कहता कि दूध मिल जाए, दुआ करो। तो भाई क्या देखने वाले, क्या कमेंट है, बस अब बस हो गए। आप बना रहे हो? आप क्या बना रहे हो? अभी तक भी नहीं बताया, अब बता देगा। हाँ जी बता दें, बहन भाई इंतजार में है। अब तो एक तो हाथ सस के पेट में दर्द है। हाँ तो मुखलिस में हंसाया, उन्हें तो नहीं हंसाया। अब बता क्या बना रही हो? आज चावल बना रहे हैं। वाओ चावल बना रही हो? हाँ जी। अच्छा इसलिए पतीला चढ़ दिया? जी आलू वाले चावल। आलू? अच्छा वो तो न्यू डिश थे ना। अब आलू वाले चावल कैसे हो गए? यही डिश थी जो भाभी ने बताया आपको। हाँ जी फिर तो मजे करेंगे, चावल खाएंगे। प्याज डाल दिए? हाँ जी डाल दिया। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप सोनी लग रही हो। मैंने नहीं प्यास का बोला। ओए हैदर, हमें पता भी है। हैदर बेटा रा क्या कर रहे हो? क्यों ओ तोते? अच्छा तोते देख रहे हो? तोते देख रहे हो? चलो खेलो, वे खेलो। ओ तोता बोलता है? क्या बोलता है? क्या बोलता है? चलो चलो खेलो 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 खेलो। अरे हटा आप भी हंस रहे हो? हाँ जी कहाँ तक पहुँचे आपके वो न्यू डेस्टिनेशन लोकी डेस्ट चावलों की डेस्ट? हर बार यही कहता हूँ कहाँ तक पहुँचे, मैं तो वहीं बैठी हूँ। मैंने कहा रेसिपी कहाँ तक पहुँची? पहले जब आया था इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे, अब पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंची। आलू तक पहुंची हो? आलू कौन सा शहर है? सऊदी बोला, सऊदी। इंशाल्लाह अच्छा जाएंगे। अच्छा यहाँ तक पहुंची है? अरे ये सारे मसाले जहाँ डाल दिए? हाँ मसाले की बुनाई काटती थी और आलू डाल दिया है, बस थोड़ी सी भुनाई करके फिर पानी डालूंगी। अरे हाँ यार आलू भी डाल दिए, सारा कुछ डाल दिया और बताया भी नहीं, और ये धनिया भी रखे हुए हैं अभी। ये धनिया ना बाद में डालूंगी। हाँ जी वेरी गुड, थोड़ा सा डाल दिया था अब इतना रखा है। हाय सोनी, हाय सोनी। एक भाई बोल रहा था, पता नहीं भाई है या सिस्टर है, यही बोल रही थी कि कौन सा रो क्यों रही थी, तो क्या बता दो? बता दें वो जैसा बातें जानने के लिए मैसेज कमेंट करते हैं जी। तो मैं इसलिए रो रही थी कि अल्लाह पाक मुझे औलाद दे देता या भाई दे देता, मुझे कितनी खुशी होती। अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं मैं देखती हूँ तो मेरा दिल भर जाता है, फिर रोना आ जाता है। तो फिर आप मेरी बात की है ना शादी की, तो यही बात की है कि मैं इससे ब्याह कर लेगी अपने घर। तो जब ऐसी बात की मैंने यही सोचा अपने दिमाग में कि मेरा अगर भाई होता तो मेरे साथ जाता, तो इसलिए मैं रो गई अपने भाई की खातिर। सुबह भी बोला था नहीं रोना चाहिए, अल्लाह पाक पे भरोसा है। अब सुबह आप क्या बोल रहे थे, इतना भरोसा भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, उठ गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं मैंने ऐसा तो नहीं बोला, अल्लाह पाक पे भरोसा है। भरोसा है ना, भरोसा कायम रखे हैं, 10-10, 20-20 साल भी अल्लाह पाक, उसके बाद 20 साल के बाद भी अल्लाह पाक औलाद देता है, पता है जी। और एक सिस्टर, हाँ
सिस्टर बता रहे थे कि मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उन्हें भी औलाद दे, नेक औलाद अता करे, तो उनके लिए भी दुआ कर दें, कर दें जी। मैं उस सिस्टर के लिए दुआ करती हूँ जो क्या उसकी औलाद नहीं है। नहीं, अल्लाह पाक ने अभी तक नहीं। तो अल्लाह पाक उस सिस्टर को भी औलाद दें, औलाद से नवाजें, और अल्लाह पाक मुझे भी औलाद दें। जिस मुसलमान की औलाद नहीं है, अल्लाह पाक सब मुसलमानों को औलाद से नवाजें, सारे बहन भाइयों को, यानी कि मुसलमानों को जो देखने वाले हैं ना, सब बहन भाई के लिए, सब बहन भाई के लिए मैं दुआ करती हूँ, जिसकी भी औलाद नहीं है अल्लाह पाक औलाद से नवाजें। आमीन। ओके जी, मैं कल न्यू डिश जब बनेगी तो मैं इसको ना इस्लामाबाद चढ़ा के आऊँगा।